अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिंध पुलिस एसएसयू कमांडो कराची, हैदराबाद और सखर के साइकोमेट्रिक टेस्ट का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि हम जब अपना एनआईसी और रोल नंबर पुट करते हैं तो आगे नो रिकॉर्ड फाउंड आता है या सर्च होता रहता है, हमारा रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा कि हम रिकमेंड हैं या नॉन रिकमेंड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक कैंडिडेट का रिज़ल्ट दिखाऊँ। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर भी जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना एनआईसी और रोल नंबर जब पुट किया है तो इसके अंदर रिज़ल्ट नॉट फाउंड फॉर द गिवन डेटा आ रहा है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि आपको याद होगा पीटीएस ने अपनी रिटर्न की स्लिप पे भी और साइकोमेट्रिक टेस्ट की स्लिप पे भी ये लिखा था कि अगर कोई कैंडिडेट आंसर शीट के ऊपर एनआईसी और रोल नंबर स्लिप में कोई मिस्टेक करता है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई थी रोल नंबर या एनआईसी में, जिसकी वजह से रिज़ल्ट नॉट फाउंड आ रहा है। वो कैंडिडेट्स जो ये समझते हैं कि उनकी एनआईसी और रोल नंबर स्लिप उन्होंने बिल्कुल सही लिखा था और इसके बावजूद इनका रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप दोस्तों एक काम ही कर सकते हैं, आप पीटीएस की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से उनका नंबर ले लें और वहाँ कॉन्टेक्ट करें, या फिर आप अपने नियरेस्ट पीटीएस के सेंटर अपना एनआईसी लेके चले जाएं। अगर आपकी गलती नहीं हुई तो उम्मीद है दोस्तों कि आपका रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन अगर आपकी एनआईसी या रोल नंबर की मिस्टेक हुई तो आपका रिज़ल्ट आना मुश्किल है।